हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्लास टेन चैप्टर नाइन एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर सिक्स है एंड द क्वेश्चन इज अ वन पॉइंट फाइव मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ थर्टी मीटर टॉल बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इनक्रीजेज फ्राम थर्टी डिग्री टू सिक्सटी डिग्री एज ही वॉक्स टूअर्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूअर्ड्स द बिल्डिंग आइए समझते हैं क्या आगे है क्वेश्चन में और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सो so, क्वेश्चन में बोल रहा है एक वन पॉइंट फाइव मीटर टॉल बॉय है सो so, हम डायग्राम बना देते हैं एक वन पॉइंट फाइव मीटर टॉल बॉय है जो कि एक बिल्डिंग जो कि थर्टी मीटर की है उससे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है देन द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग उसकी आई से बिल्डिंग के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो कि थर्टी डिग्री से इंक्रीज होकर सिक्सटी डिग्री हो जा रहा है कब जब वो बिल्डिंग के पास जा रहा है जब वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है सपोज इस बिल्डिंग के पास मूव करके अब वो इस डिस्टेंस पे पहुंचा तो अब जो उसकी आई से बिल्डिंग के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो सिक्सटी डिग्री बन जा रहा है सो so, हमें फाइंड करना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूअर्ड्स द बिल्डिंग सो वो इस बिल्डिंग के पास उसने कितनी डिस्टेंस चला उसे हमें फ़ाइन करना है हम नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी एक बॉय है जो कि थर्टी मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है पहले उस बॉय के आई से बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है थर्टी डिग्री एंड जैसे वो बिल्डिंग के पास जाता जा रहा है तो एंगल अब इंक्रीज़ होकर सिक्सटी डिग्री बन गया है सो हमें ये फाइंड करना है कि वो बिल्डिंग के पास कितना डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ उसने चला पहले वो इस पॉइंट पे था ना वो अब इस पॉइंट में पहुँचा तो हमें सी डी का डिस्टेंस फाइंड करना है चलिए सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम इन ट्राइंगल ए बी एफ ट्राइंगल ए बी एफ में टेन थर्टी डिग्री लगा लेते हैं टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस सो ये थर्टी डिग्री है इन ट्राइंगल ए बी एफ़ परपेंडिकुलर ए एफ होगा एंड बेस बी एफ होगा सो टेन थर्टी डिग्री इक्वल्स टू ए एफ़ अपॉन बी एफ टेन थर्टी डिग्री होता है वन अपॉन रूट थ्री ए गिविन है ए ई इज़ थर्टी मीटर एंड ये बी सी वन पॉइंट फाइव है तो एफ ई भी कितना हो जाएगा वन पॉइंट फाइव हो जाएगा सो so, हमारा ए एफ़ निकल आएगा हम ए एफ को कैसे फाइन कर लेंगे ए एफ इक्वल्स टू ए ई माइनस एफ ई ए थर्टी डिग्री है उसमें से वन पॉइंट फाइव को माइनस कर लेंगे तो हमें ए एफ मिल जाएगा ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव सो ना यहाँ पे एफ़ की वैल्यू पुट कर लेंगे ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय बी एफ बी एफ हमें नहीं पता हम उसको एज इट इज़ लिख देते हैं ना हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा बी एफ इक्वल्स टू ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव रूट थ्री अब हमें बी एफ मिल चुका है अब हम ट्राइंगल ए जी एफ वे टेन थर्टी डिग्री लगा टेन सिक्सटी डिग्री लगा लेते हैं सो इन ट्राइंगल ए जी एफ ए जी एफ टेन सिक्सटी डिग्री परपेंडिकुलर बनेगा एफ एंड बेस बनेगा जी एफ सो टेन सिक्सटी डिग्री इक्वल्स टू ए एफ डिवाइडेड बाई जी एफ टेन सिक्सटी डिग्रीज़ रूट थ्री एफ ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव एंड जी एफ हमें नहीं पता तो उसे हम एग्जिट लिख दे रहे हैं सो so, यहाँ से जी एफ की वैल्यू मिल जाएगी जी एफ कितना हो जाएगा ये इस तरफ चला जाएगा ये यहाँ आ जाएगा तो वी गेट जी एफ़ इक्वल्स टू ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय रूट थ्री नौ हमें फाइंड सी डी करना है तो अगर हम सी ई में से डी को माइनस कर लेंगे तो हमें सी डी मिल जाएगा सी ई में से डी ई को माइनस कर देंगे तो हमें सी डी मिल जाएगा और सी ई कितना है जितना बी एफ है और डी ई कितना होगा जितना जी एफ है तो अगर हम बी एफ में से जी एफ को माइनस कर देते हैं तो हमें बी जी मिल जाएगा एंड जितना बी जी होगा वही हमारा सी डी भी होगा सो सी डी हमें कैसे मिलेगा बी एफ बी एफ कितना है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव रूट थ्री उसमें से हम माइनस कर देंगे जी एफ़ जी एफ कितना ऑप्टेंट हुआ हमें ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई रूट थ्री सो ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय रूट थ्री नाम सॉल्व कर लेंगे तो इन दोनों में से ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव कॉमन आ जाएगा रूट थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट थ्री तो ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव कॉमन निकल गया तो यहाँ से रूट थ्री मिलेगा माइनस वन डिवाइडेड बाय सॉ वन डिवाइडेड बाय रूट थ्री सो हम यहाँ पर एल ले, ले लेंगे सो एल सी आ जाएगा रूट थ्री इसके अपॉन्ट में वन है तो यहाँ पे रूट थ्री का इंटू होगा तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री यहाँ पे बन जाएगा थ्री यहाँ पे रूट थ्री ऑलरेडी है तो यहाँ पे माइनस वन रहेगा वी गेट ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव इंटू टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री अगर हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं सो वी गेट फिफ्टी सेवन डिवाइडेड बाई रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज थ्री इंटू रूट थ्री थ्री पंसा सो वी गेट नाइनटीन रूट थ्री सो सी डी की लेंथ कितनी आ जाएगी नाइनटीन रूट थ्री मीटर आई होप आपको समझ में आया हो कैसे सॉल्व कर रहा है इस क्वेश्चन को